अरे अरे रुक जाओ, थम जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हो अकाउंटेंसी की, लेकिन सिलेबस का पता नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, अभी भी कोई गलती नहीं हुई, पहले ब्लूप्रिंट देख लो अकाउंटेंसी का, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ अकाउंटेंसी की, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी यूनिट वाइज वेटेज। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द अकेडमिक सेशन 2023-2024। तो आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू अवर वीडियो। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी को कितनी ओवरऑल वेटेज दी गई है इन सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट्स। तो बेटा सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट्स में अकाउंट्स को 100 मार्क्स की वेटेज दी गई है। वेटेज सबकी सेम, अगर आप बात करो इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, अकाउंट्स की, तीनों सब्जेक्ट्स की वेटेज ओवरऑल 100 मार्क्स ही है, ठीक है। और ये भी सिमिलैरिटी है तीनों में कि जो सीबीएसई अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, फाइनल बोर्ड एग्जाम, वो 80 मार्क्स का ही होगा तीनों सब्जेक्ट्स का। एंड प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात करें तो ये होगा बेटा 20 मार्क्स का, ये भी सब में सेम है, राइट, 20 मार्क्स ही है हर किसी में प्रोजेक्ट वर्क। ओके, तो ये तो था ओवरऑल वेटेज के हिसाब से। अब बेटा आगे चलते हैं, तो यहां पर बेटा अब बात करते हैं डिटेल में अकाउंट्स के सिलेबस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स के लिए आपको सीबीएसई 3 आवर्स का राइटिंग टाइम देता है एंड 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी मिलता है बेटा। तो यानी कि इन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है फॉर डूइंग योर एग्जाम पेपर, ठीक है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इज प्रोवाइडेड और जैसे ही 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम खत्म होता है तो उसके बाद आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है जो कि आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। तो टोटल 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स इज गिवन टू यू टू डू योर एग्जाम पेपर। अब बात करते हैं बेटा इसमें यूनिट वन की। यूनिट वन इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो कि आपकी बुक वन है। आपको पता होगा बच्चे अकाउंट्स में आपकी तीन बुक्स हैं, एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड तीसरी है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहां पर अगर हम बात करें यूनिट वाइज वेटेज की तो जो यूनिट वन है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स यानी कि आपकी बुक वन, इसकी वेटेज है 36 मार्क्स, ठीक है। और मैं बुक टू की अगर बात करूं जिसको यहाँ पे यूनिट टू ये लोग बोल रहे हैं, वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और इसकी वेटेज बेटा 24 मार्क्स की है। आपका जो अकाउंट्स का पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक होगा पार्ट ए विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज यानी कि बुक वन एंड बुक टू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें यूनिट वन आ रही है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड यूनिट टू आ रही है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। और इसकी ओवरऑल वेटेज बुक वन एंड बुक टू की मिलाकर 60 मार्क्स है, जिसमें से बुक वन की 36 मार्क्स की है और बुक टू की 24 मार्क्स की वेटेज है। अब बेटा बात करते हैं बुक थ्री की जो कि पार्ट बी होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो पार्ट बी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें दो यूनिट्स हैं, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो है 12 मार्क्स की और दूसरी है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो है 8 मार्क्स की। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बुक थ्री की जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स की, राइट। तो तीनों बुक्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है बेटा बुक वन की विच इज 36 मार्क्स, उसके बाद बुक टू की विच इज 24 मार्क्स और उसके बाद बुक थ्री की विच इज 20 मार्क्स, ओके। एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, प्रोजेक्ट वर्क में बेटा बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स एंड वाइवा होगा उसका 8 मार्क्स का, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में अभी लिटिल बिट और डिटेल्स में आपको दूंगी जैसे ही अभी वीडियो प्रोसीड करेंगे। अब पार्ट बी में क्या होता है, कुछ बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी ले लेते हैं, ठीक है, चॉइस होती है बेटा स्कूल्स में। तो अगर आपके स्कूल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो यूनिट जो आपकी 4 होने वाली है वो होने वाली है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और इसकी वेटेज है 20 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको जल्द ही रिप्लाई करेगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं सिलेबस को इन डेप्थ। तो यूनिट वन विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी हम पहले बात कर रहे हैं। यूनिट वन में आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यूनिट वन में जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी की पूरी बुक वन है,
ठीक है। सबसे पहले आ जाता है यूनिट वन में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे कवर अप होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या। पार्टनरशिप से रिलेटेड फीचर्स, पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, ये सब कवर अप होगा बेटा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन डिटेल, ओके। एंड पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप के टाइम पे बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, इसके कॉम्पोनेंट्स, नेक्स्ट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती है। लेकिन कई बार बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई हो जाते हैं। तो यही देखना है हमें कि अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बेटा, उसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। और यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट्स दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। गारंटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स। कई बार प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक हो गई थी जो बाद में पता लगी जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो अब हम उसको करेक्ट कैसे करें। अब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उसे करेक्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, इस यूनिट में समझने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा गुडविल के बारे में। गुडविल यानी कि गुड इमेज ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की रेपुटेशन काफी अच्छी है। तो गुडविल का मीनिंग, नेचर क्या है गुडविल का, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करें, गुडविल की वैल्यू कैसे लगाएं। तो उसके बेटा तीन मेजर मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन तीनों मेथड से। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। तो यहां पे देखते हैं क्या क्या आता है। देखो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म में कुछ चेंजेस आना लेकिन फर्म चल रही है, फर्म बंद नहीं हुई। लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो ये कुछ यहां पे अब हम देखेंगे बच्चे। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये एक चैप्टर दिखेगा आपको आपके अकाउंट्स के बुक में, विच इज रिलेटेड टू कि अगर जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया है तो अब क्या क्या करना होगा, अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, आगे अकाउंटिंग ऑफ बुक्स कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दोबारा से देखा जाएगा कि उनकी क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है, देखा जाएगा कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो रिजर्व्स हैं लाइक जनरल रिजर्व है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस टाइप के कुछ रिजर्व होंगे उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या करेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट बनानी हम यहां पर सीखेंगे। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन मतलब नया पार्टनर आ जाना हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो उस टाइम पे भी अकाउंटिंग बुक्स में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है।
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे ही पार्टनर का एडमिशन होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या चेंज आता है ये देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गुडविल। तो बेसिकली ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनसे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन सारे AS 26 में बताए गए हैं। तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू दोबारा कैसे लगाई जाती है, लाइबिलिटीज को कैसे असेस किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, कई बार पार्टनर्स के कैपिटल्स को भी क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो कैसे किया जाता है। प्रेपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना एंड पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाना देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे भी हमें अकाउंटिंग बुक्स में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वही हम इस यूनिट में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है किसी पार्टनर की तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कैसे पड़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कैसे असेस करते हैं हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व, रिजर्व की प्रॉफिट्स की लॉसेज की जो एक्यूमुलेटेड है उनकी कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट की जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड प्रेपरेशन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैसी बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को अगर हमने पैसा इमीडिएटली नहीं दिया, लोन के फॉर्म में कंपनी दे रही है तो लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर का। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेथ, डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं बेटा वो वाला पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है तो उसका प्रॉफिट शेयर हम कैसे निकालते हैं उसकी डेथ होने तक के टाइम पे। प्रेपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, पार्टनर जो जिसकी डेथ हुई है यानी कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और उसके एग्जीक्यूटर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, व्हिच इज द नेक्स्ट चैप्टर। डिसोल्यूशन मतलब शट डाउन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म परमानेंटली, तो इस टाइम पे भी बहुत सी चीजें होती हैं बेटा। तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दूसरी चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे हम इसमें। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या रहता है फर्म्स का। सेटलमेंट हम कैसे करते हैं अकाउंट्स की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है उस टाइम पे सेटलमेंट हम अकाउंट्स की कैसे करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स लाइक कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तो इस यूनिट में हम देखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे एंड कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेटा खत्म होता हुआ यूनिट वन के बारे में ये सारे चैप्टर्स थे जो मैंने आपको बताए। अब मूव करते हैं बच्चे यूनिट टू पे, विच इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है इस बुक में कि कंपनीज जब फंड्स रेज करती हैं ईदर थ्रू शेयर्स और डिबेंचर्स तो उनके अकाउंटिंग बुक्स में वो कैसे इन चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कि अगर कंपनी शेयर्स इशू करके फंड्स रेज कर रही है
तो कंपनी कैसे अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो इसमें देखते हैं बेटा क्या क्या देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल का नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इशू कैसे करते हैं, अलॉट कैसे करते हैं शेयर्स को, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम यूनिट करेंगे बेटा। शेयर से रिलेटेड बहुत से केसेस होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो वो सब हम जैसे ही प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं ये। इशू ऑफ शेयर्स एट पार भी होता है, एट प्रीमियम भी होता है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का भी कंसेप्ट देखेंगे इसमें, एरियर्स का भी देखेंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो ना तो आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, स्वीट इक्विटी, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मतलब हम कंपनी की शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं कंपनी के, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है, इसमें हम डिबेंचर्स के बारे में डिटेल लेंगे, मीनिंग क्या है डिबेंचर्स के, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर कैसे किया जाता है, पार पर इशू होता है, प्रीमियम पर इशू होता है और डिस्काउंट पर इशू होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, वही कि आप अगर किसी की पेमेंट कर रहे हो तो आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज देखेंगे हम रिडम्पशन की टर्म्स को माइंड में रखते हुए, ठीक है। डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल जानते हो ना कि आप अगर मान लो बैंक से लोन वगैरह ले रहे हो बेटा तो कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है फॉर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक, तो मतलब हम डिबेंचर्स को भी एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने डिबेंचर्स को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी रखा है तो उसको हम अपने अकाउंट्स में कैसे दिखाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब कंपनी अगर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेस करती है ना तो डिबेंचर होल्डर्स को, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं उन्हें इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे TDS वगैरह भी लगता है तो उसका भी कैसे हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर लॉस हुआ है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे अनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द थर्ड बुक, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि मीनिंग क्या होता है इनका, नेचर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यूजेस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और इंपॉर्टेंस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, का फॉर्मेट कैसे, एज पर स्केड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट जो 2013 का है उसका स्केड्यूल थर्ड में बेटा फॉर्मेट दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, तो वो वाला फॉर्मेट हमने यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालिसिस मतलब डीपली स्टडी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड भी एक चैप्टर आपको दिखेगा, इसमें हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है या क्या रोल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस एंड इनकी लिमिटेशंस तक आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं तो कौन कौन से टूल्स हैं, कौन सी चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो है बेटा कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो आप बनानी सीखोगे. नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस. बहुत सी रेशियोज होती हैं जिसकी हेल्प से हम डीपली स्टडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है कंपनी में, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो एनालिसिस. तो उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है. नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा. तो अकाउंटिंग रेशियोज में आपको क्या क्या स्टडी करना होगा. अकाउंटिंग रेशियोज का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस यानी कि मेरिट्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन इनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, एंड कॉम्प्यूटेशन मतलब कैलकुलेट करना. तो यहाँ पे चार टाइप की बेटा रेशियोज आप डिटेल में पढ़ोगे. एक लिक्विडिटी रेशियोज, इनके कैलकुलेट भी कैसे करना है इनको, और थ्योरी पोर्शन भी. ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आ जाती हैं इसके अंदर. सॉल्वेंसी रेशियोज में आप पढ़ोगे डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. तो एक्टिविटी रेशियोज में आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. नेक्स्ट बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी रेशियोज में. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की. इसमें आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस थर्ड बुक. इसमें आप ये स्टेटमेंट बनानी सीखोगे भी और थ्योरी भी सीखोगे इससे रिलेटेड. बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है तो उसके बारे में हम थ्योरी समझेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की जाती हैं तीन में, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग में, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर. और ये जो प्रिपरेशन चलती है इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो चलती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो वही हम देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है कीपिंग इन माइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. एंड देयर आर बेसिकली बेटा टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बट हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, ओनली इनडायरेक्ट मेथड से हमें देखना है कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. एडजस्टमेंट्स होंगी कुछ ना कुछ, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डिप्रिसिएशन देखेंगे, अमोर्टाइजेशन देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखेंगे. ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड एंड टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी आप देखेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखेंगे, कैश क्रेडिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखेंगे एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की तरह क्या क्या चीज़ें ट्रीट होंगी ये देखा जाएगा. करंट इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. यहाँ पर आपको सिलेबस में ही बोला गया है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट करेंगे वाइल डूइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंटिल एंड अनलेस वहां पे स्पेसिफाइड हो. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी की. प्रोजेक्ट वर्क है बच्चे 20 मार्क्स का अकाउंट्स में. ठीक है, जिसका बाइफर्गेशन कुछ इस तरीके का है, प्रैक्टिकल डे जब होता है ना आपका अकाउंट्स का, उसमें 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एक. और ये जो रिटन टेस्ट के टॉपिक्स होते हैं ना बेटा वो बुक 3 से रिलेटेड होते हैं विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ओके, और बाकी के 8 मार्क्स कैसे हैं? बाकी के 8 मार्क्स बेटा कुछ इस तरीके के हैं कि 4 मार्क्स की फाइल एंड 4 मार्क्स का वाइवा. आपने जो फाइल में लिखा है उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज चेक की जाती है ओरल टेस्ट के थ्रू, वो वाइवा 4 मार्क्स का. तो इस तरीके से बच्चा आपके 20 मार्क्स हैं. अब यहां पे स्पेशलिटी है अकाउंट्स की. क्या स्पेशलिटी है? देखो बच्चे, फाइल वर्क, वाइवा आपका बिजनेस स्टडीज में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन उसमें रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता प्रैक्टिकल डे पे. लेकिन अकाउंट्स में 12 मार्क्स का तो देखो क्या है, सीधा रिटन टेस्ट ही है ना. तो हमें अकाउंट्स के सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी लाइटली लेना ही नहीं है, और वैसे भी ये कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है. और यहाँ पे बेटा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों चीजें ही बहुत बढ़िया चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं.
है ना। तो हमें स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी हम अच्छे से अकाउंट्स में स्कोर कर पाएंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन फॉर अकाउंटेंसी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का आने वाला है 44 मार्क्स का, मतलब वो वाले क्वेश्चन जो आपको समझाए गए हैं और एज इट इज अपने पेपर में करने हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो बेटा आने वाले हैं 44 मार्क्स के कुछ। एंड अप्लाइंग की बात करें, अगर अप्लाइंग मतलब कि आपने जो नॉलेज सीखी है उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, लिटिल बिट टिपिकल, तो ये आने वाले हैं 19 मार्क्स के। एंड द लास्ट वन एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये आने वाले हैं पेपर में आपके 17 मार्क्स के। ये एक्सट्रीमली टिपिकल वाले होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्ट का सिर्फ 44% है डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है आपका सिर्फ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्ट ओनली 44 मार्क्स है, रिमेनिंग जो है आउट ऑफ 80 वो इनडायरेक्ट ही है बेटा, 36 मार्क्स इनडायरेक्ट है देखा जाए तो। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, स्टार्टिंग से ही प्रिपेरेशन अच्छी रखो, तभी अच्छा स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में अगर बात करें तो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ पर गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी। यहां पर इजाजत चाहती हूं इस सेशन को एंड करने की, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।